Hello champions, this is Manish sir from English Classes. This video is only for the newcomers as well as those students who are not able to understand or who are not able to judge the actual pattern of SSC. They are not able to get the selection just because of lack of knowledge. आप अगर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं और नॉलेज की कमी की वजह से कई सालों से सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगी सुनने से। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे अच्छा और सबसे टफ और सबसे रॉयल एग्ज़ाम है वो है एसएससी सीजीएल। और सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कुछ पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि मैथ्स के 30 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग 30 रहेगी, 25 क्वेश्चंस किसके रहेंगे, जीएस के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, इंग्लिश का। मैं मानता हूँ हर एग्जाम में आपको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वेटेज जो सबसे ज़्यादा है वो इंग्लिश का है। तो ध्यान रखें, आप अगर इंग्लिश आपकी कमजोरी समझते हुए हमेशा इग्नोर करते आ रहे हैं तो उसको आपको फोकस करना है, इंग्लिश को सिलेक्शन तक ले जाना। दूसरा एग्जाम होता है अपना एसएससी एमटीएस। एमटीएस के लिए अगर बात करें तो एमटीएस में 70 मैथ्स और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, इंग्लिश आपको 75 मार्क्स दिलाएगी और जीएस भी आप 75 मार्क्स का ही है। लेकिन जीएस आप भी जानते हैं हर व्यक्ति उसका सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हर व्यक्ति से पूरा उम्मीद नहीं की जा सकती कि, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका, इंग्लिश। सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चंस किसके हैं, इंग्लिश के। व्हेन वी टॉक अबाउट एसएससी स्टेनो, 100 क्वेश्चंस किसके आते हैं, इंग्लिश के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन।